हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस टाइप का इंस्टेंट वाटर हीटर कैसे लगाते हैं उस जगह पे जहां पे बेसिंग हमारा नहीं है। ऐसे तो ये बेसिंग के लिए स्पेशली बना हुआ है, लेकिन बहुत से जगह पे क्या होता है बेसिंग नहीं रहता है, तो वहाँ पे कैसे लगाएंगे डायरेक्ट नल की तरह, और इसके अंदर क्या होता है ये भी देखेंगे, और ये कैसे काम करता है। इसमें बहुत सारा सवाल ये भी होगा कि इसे अगर हम चलाते हैं तो जो मीटर रीडिंग आता है यूनिट हमारा वो कितना आएगा कितना देर चलाने पे, आज की वीडियो में ये जानेंगे। और इसे लगाते वक्त बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, अगर इसे आप लेना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए तभी इसे लीजिए, नहीं तो आप पैसा इसमें लगा देंगे ये किसी काम का नहीं होगा। इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत आपको है और आपके यहाँ ये काम करेगा तो ही आप इसे परचेज कीजिएगा कहीं से भी। तो सबसे पहले यहाँ पे पोली बैग से इसे बाहर निकालेंगे इसका सेट। सबसे पहले मैंने बॉक्स जो इसका है उससे इसको बाहर निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो पोली बैग है उसे भी यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है हमें एक मैनुअल पेपर, इसके ऊपर टोटल गाइडलाइन दिया गया है इसे कैसे लगाना है आपको और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसे फ़िलहाल रखेंगे हम साइड में, कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर नहीं लिखा गया है वो भी हम आपको बतलाएँगे, अभी इसे रखते हैं साइड में। उसके बाद बात कर लेते हैं इस टॉप का जिससे हम पावर सप्लाई देंगे। जो पावर प्लग होता है उसी से इसके अंदर लाइन देंगे क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो 3000 वाट लोड लेता है। उसके बाद ये स्विच है इसका, इसके अंदर लिमिट स्विच भी है, जब तक इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, यानी जैसे कि इसे हम क्या करेंगे लेफ़्ट साइड करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, आवाज़ भी आएगा कट का, जैसे ये इधर गर्म पानी आएगा और इसे राइट साइड मोड़ते हैं तो ठंडा पानी आएगा। इस साइड ये ठंडा हो गया और ये साइड हमारा गर्म हो गया और राइट साइड हमारा ठंडा हो जाएगा। जहाँ पे ये कट का आवाज़ कर रहा है वहीं से स्विच हमारा ऑफ हो जाता है, यानी पावर सप्लाई जाना एलिमेंट में बंद हो जाता है। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले है जो टेम्परेचर बताएगा। उसके बाद इसके अंदर एक बार हम देख लेते हैं क्या है, जैसे कि एक एलिमेंट का पॉइंट है प्लस एक लिमिट स्विच है प्लस एक छोटा सा डिस्प्ले किट दिया गया है जिस पे हमारा टेम्परेचर बताएगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर यानी सेल्सियस हमारा पानी गर्म है। चलिए इसे बंद करते हैं, उसके बाद एलिमेंट वाले साइड भी ओपन करके देख लेते हैं। जैसे इस साइड ओपन करेंगे तो इसमें एक एलिमेंट दिया गया है और कुछ नहीं है, और ये छोटा एलिमेंट है लेकिन 3000 वाट लोड लेगा। अगर बात करें कि इसका जो मीटर रीडिंग यूनिट आता है वो कितना आएगा इसे चलाने से, तो अगर इसे एक घंटा कंटिन्यू ऑन रखते हैं और ये चल रहा है तो वहाँ पे आपका 3 यूनिट बिल आएगा। ये जेन्युइन तरीका एक फार्मूला का, बाकी मीटर बहुत सारा है जो तेज़ चलता है स्लो चलता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे थ्योरिकल और जेन्युइन तरीका है कि एक घंटा चलेगा 3000 वाट अगर लोड है तो 3 यूनिट बिल आपका आएगा रीडिंग मीटर में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर तरह से लिख भी दिया गया है कि इंस्टेंट आपका वाटर हीटर है ये, अगर बात किया जाए पावर का तो 3000 वाट लोड लेता है और ये आपका 220 वोल्ट पे करंट इसको चाहिए, यानी प्रॉपर हीटिंग के लिए। ऐसे 150-180 रहेगा तो भी हीट करेगा, थोड़ा स्लो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिया गया है जो हमारा एक डायरेक्ट जलेगा और एक जब एलिमेंट ऑन होगा तभी जलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसे लगाना होगा, जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसे लगाने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से दबा देंगे और उसके बाद ऊपर से इसे कसेंगे। अगर ये बिल्कुल सीधा रहेगा तो आसानी से चला जाएगा, थोड़ा अगर टाइट जा रहा है तो ज़रूर इसका जो चूड़ी है अनबैलेंस है तभी आपको प्रॉब्लम होगा। अगर परफेक्ट आप डालिएगा तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती कीजिएगा तो इसका जो चूड़ी है वो ख़राब हो जाएगा, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद यहाँ कसने के बाद ये जो है ये हमारा घूम भी सकता है, जिस साइड भी चाहें थोड़ा घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हमारा इसे बेसिंग में जब हम इसे लगाएंगे तो इसका इस्तेमाल होगा। ऐसे तो ये जो बना हुआ है स्पेशली किचन के लिए बना हुआ है बेसिंग में लगाने के लिए, लेकिन हम इसे बेसिंग में नहीं लगाने वाले हैं, ऐसे ही नल में लगाने वाले हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे जो मुझे इसको लगाना है वो लगाना है हमें एक नल में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो एक क्या करूँगा यहाँ पे नलके को निकाल दूँगा और यहीं पे लगाऊँगा। तो इसके लिए क्या करना होगा वो भी आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे कुछ सामानों की ज़रूरत हमें पड़ेगी,
तो जैसे यहाँ पे सामान है, जैसे ये हमारा ब्रास एल्बो है जो हाफ इंच का पाइप में ये लगेगा, एक इंच का भी आता है ध्यान में रहे, और ये MTA है। जनरली ये जो सामान है ये आपको हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा, जो वहाँ पे प्लम्बर का सामान मिलता है, टेफ्लॉन टेप है लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक सुलेशन है जो हमारा इसे के अंदर जो पाइप हम लगाएंगे उसे साटने के लिए, जैसे ये पाइप भी है हमारा, थोड़ा सा पाइप का टुकड़ा भी यहाँ पे हमारा लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सुलेशन लेंगे और जो ब्रास एल्बो है यहाँ पे इसके अंदर इस लगाएंगे, इस तरह से चारों साइड यानी हर साइड लगा देंगे। उसके बाद पाइप में भी क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद ब्रास एल्बो को पाइप में डाल करके लगाएंगे, पूरा नचा करके डालेंगे, जितना जाता है पाइप आपको उतना जाने देना है। और थोड़ा सा यहाँ पे मुंह से मैं हवा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी सेट कर जाए, ऐसे थोड़ा देर छोड़ देंगे तो भी ये सेट कर जाएगा, बहुत तगड़ा पकड़ता है। उसके बाद इसको जो है आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा पे इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना लंबा पे कटिंग करूँगा क्योंकि इतना बड़ा इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि जो वाटर हीटर में जहाँ लगाना है उस वॉल से इतना हमको गैप रखना है, तो आप जितना गैप रखना चाहते हैं उतना लंबा कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सुलेशन लेंगे और सुलेशन लेकर के फिर इसके अंदर डालेंगे। सुलेशन जो है हर साइड होना चाहिए, कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाइप में भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो लीकेज का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इसके अंदर डाल करके नचा करके पूरा डाल देंगे। तो इस तरह से हमें एक ये बनाना ज़रूरी है अगर कहीं पे वेसिंग में आप नहीं लगाना चाहते हैं तो। ये हो गया, इसे बनाने के बाद फिर आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक काम हमें करना होगा। सबसे पहले जो टैंकी के पास से हमारा बॉल वाल होता है इसे बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर नल को खोलेंगे पानी निकल जाए, ताकि हमें जो कसना है सहूलियत हो, दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे ये पानी हमारा निकल गया, उसके बाद इसको इस तरह से नचाएंगे और ये खुल जा रहा है यहाँ पे। अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो आपको पाइप रिंच का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये खुल गया, उसके बाद यहाँ पे इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, कचड़ा हट गया। उसके बाद यहाँ पे लेंगे जिसे हमने ये बनाया हुआ है और इस पे सबसे पहले हमें टेफ्लॉन टेप लगाना होगा। टेफ्लॉन टेप पूरा लगाएंगे और थोड़ा बराबर लगाएंगे। एक चीज़ और थोड़ा सा हम आपको दिखला दें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो ये चौड़ा ज़रूर लपेटेंगे इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि पतला। और इस तरह से थोड़ा लपेट लिया यहाँ पे, उसके बाद इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, यहाँ पे इस तरह से तोड़ देंगे और ये जो है इसके अंदर ही डालेंगे और उसके बाद इसको कस देंगे यहाँ पे। इस तरह से हाथ से जितना कसता है कसता है। उसके बाद पाइप रिंच की ज़रूरत ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि अभी न्यू हम कस रहे हैं तो टाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे पाइप रिंच लेंगे और इसको हम टाइट कर देंगे, ऐसे इसको एडजस्ट करके ऐसे कसना है हमको। इस तरह से ये टाइट हो गया हमारा, नहीं जा रहा है, लेकिन इसे थोड़ा सीधा कर देंगे घुमा करके बैक साइड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कस लिया हुआ है। तो इस तरह से लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लेंगे हम अपना वाटर हीटर और वाटर हीटर लेकर के यहाँ पे इसमें हमें टेफ्लॉन टेप लगाना है, इस बात का ध्यान रहे। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस तरह से टेफ्लॉन टेप लगा देंगे। टेफ्लॉन टेप तो जितना दूर ये हम लगा रहे हैं इससे ज़्यादा तो उसमें नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा जगह पे लगा देंगे टेफ्लॉन टेप इस तरह से। अच्छी तरह से 5 से 6 राउंड जरूर टेफ्लॉन टेप को लगाएंगे, नहीं तो लीकेज हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे टेफ्लॉन टेप जब चूड़ी नहीं बैठता है तो वहाँ से लीकेज हो जाता है। टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद इसमें फिर हम लगाएंगे, यहाँ पे भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अगर टाइट हो रहा है तो समझिए कि आप सही नहीं कस रहे हैं, यानी अगर बिल्कुल बराबर चूड़ी मिल जाएगा तो थोड़ा सा भी टाइट नहीं होगा, बिल्कुल लूज जाएगा। जैसे ये हमारा टाइट हो गया तो ये सही नहीं है, इसे फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे खोलेंगे, बैक करेंगे यानी उल्टा घुमाएंगे। देखिए ये फ्री हो गया, यानी इसका जो चूड़ी है वो जो घाट है वो सही हो गया, इसका बैलेंस सही हो गया इसमें कसने के लिए। देखिए ये ईजिली जा रहा है, जहाँ जो थोड़ा सा भी अनबैलेंस होगा तो ये फिर आपको टाइट होगा और उसमें ज़बरदस्ती नहीं कसना चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट पूरा कस लेते हैं और इसको, चलिए टाइट तो हो गया लेकिन इसको सीधा कर लेते हैं, यानी पूरा थोड़ा कस देते हैं तो ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कस लिया हुआ है और इस तरह से आपको कस लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे यहाँ से खोलते हैं और इसमें हमें लाइन देना होगा। उससे पहले कुछ और बातों को ध्यान में आपको रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो टंकी का पानी हमने बंद किया था बॉल वाल से, यहाँ पे इसे ज़रूर ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे इसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे चलना है नल के पास और यहाँ पे जैसे ये पानी निकल रहा है इसे निकलने देना है, थोड़ा देर तक ज़रूर निकलने देंगे,
ठीक है, ज़रूरी है कि इसके अंदर पानी भर जाए उसके बाद निकले। अगर पानी इसमें नहीं रहेगा उसके बाद एलिमेंट में आप लाइन देते हैं तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रहे कि पानी इसके अंदर भर करके ओवर हो करके निकलना चाहिए, तभी जाके ये चलेगा और काम करेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप पानी इसके अंदर भर करके नहीं निकलने देंगे, या कभी पानी कम हो जाता है, टैंकी में पानी नहीं है, आप ज़बरदस्ती चलाएंगे तो उस समय ये एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पानी हमारा आ गया है फुल, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें जो स्विच है हमारा ऑफ है, इसे ऑन कर देंगे। और आप चाहते हैं इस बोर्ड को परमानेंट लगाने के लिए तो आप फिक्स कर दीजिए, या किचन वगैरह है या जहाँ भी आप इसे लगाना चाहते हैं, अगर वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगाइए, लेकिन पावर बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद इसे चलिए ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया, ये ऑफ़ हो गया, और इस साइड कूल, जैसे इसे ऑन करते हैं ऑन हो गया, हमारा गर्म पानी आ रहा है। प्लस इसमें जो इंडिकेटर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो टेम्परेचर डिस्प्ले है वो शो कर रहा है, वो भी हम आपको पास से दिखलाएंगे। यहाँ पर आप देखिए गर्म पानी आ रहा है, बहुत जल्दी आता है, लेट से नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भाप होता है पानी का वो भी दिख रहा है, प्लस यहाँ पे डिस्प्ले भी दिख रहा है। लेकिन डिस्प्ले में क्या है, जब तक नज़दीक से आप नहीं देखिएगा तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। ये कूल है, अब ये चलिए ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। अब देखिए डिस्प्ले 22 डिग्री टेम्परेचर है फिलहाल, इसे हम आपको चाहें तो नज़दीक से दिखलाएं, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये बढ़ते जाएगा, यानी ये तो तुरंत हीट होता है ना, पानी निकलते जाएगा, गर्म होते जाएगा वो, और बढ़ते जाएगा टेम्परेचर, तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ये आपका 60 से 70 जाएगा। उसके बाद इसके अंदर भी थर्मोस्टेट है जो आपका मेंटेन करके रखता है 60 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री का भी आता है, लेकिन 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर सेंसर्स वाला ही आपको लेना चाहिए। अब इसे अगर हम बीच में करेंगे जहाँ पे कट से आवाज़ कर रहा है, जैसे कि इसे चलिए इधर तो कूल हो गया, यहाँ पे करते हैं, ये हमारा ऑफ हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इसे जब हम ऑन करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि पानी का फोर्स क्या है। जैसे ये देखिए पानी का फोर्स हमारा बहुत कम है, तो इस कंडीशन में अगर इसे हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। एक बात और, अगर आपके जो नल लगे हुए हैं आप सोच रहे हैं उसमें पानी का फोर्स है और इसे लगाएंगे तो पानी का फोर्स होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका जो पाइप का जो रहता है वो मोटा रहता है, इसमें बहुत पतला, यानी जो पानी आउट करने का जो बनाया गया हो बहुत पतला बनाया गया, इसलिए ज़्यादा पानी आउट नहीं करेगा। अगर आपका मकान 3 से 4 फ्लोर है, ऐसे समझिए 30 फीट की हाइट पर अगर आपकी टंकी लगी हुई है तो वहाँ पर पानी का प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर 1/2 इंच का पाइप है तो जो प्लम्बर का पानी वायरिंग हुआ है उसका, अगर 1 इंच का प्लम्बर का वायरिंग पाइप है और वो हाइट अगर आपका 15 से 20 फीट रहता है पूरे यहाँ तक जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ तक, ऐसा नहीं कि कुछ दूर पे 1/2 इंच का मोड़ दिए तो वहाँ पे फिर उसका लेयर टूट जाएगा, तो 15 से 20 फीट तक हाइट पे अगर रहता है टंकी, 1 इंच का पाइप है, तो वहाँ पर आपका पानी का फोर्स मिल सकता है। और इस बात का भी आपको ध्यान रहे कि इसके अंदर किसी भी तरह का स्टोरेज ऑप्शन नहीं है कि इसके अंदर पानी गर्म रहेगा अगर किसी टाइम पे आप लाइन दे दिया और बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं है। बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे इसलिए मैंने सोचा बतला दूँ आपको, क्योंकि बिल्कुल छोटा है इसीलिए इसको इंस्टेंट वाटर हीटर कहा जाता है, और जब लाइन देंगे उसी टाइम पर जब इसमें पावर दिया जाएगा उसी टाइम पर ये पानी को गर्म करके देगा, और ये बिल्कुल हीट यानी पूरा फुल गर्म पानी देता है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए ठंडा पानी मिला करके इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो हाथ भी जल सकता है, इस बात का भी ध्यान में रहे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ये कितना बिजली कंज्यूम करेगा, पानी का फोर्स भी सही होना चाहिए, जिस समय लाइन रहेगा उसी समय ये गर्म पानी देगा। अगर बात करें ये मिलेगा कहाँ, तो इलेक्ट्रिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे गीजर वगैरह मिलता है, एसी जहाँ पे सेल होता है वहाँ पे भी ये मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ता है या आपके मार्केट में सही पड़ता है, आपको जहाँ बेहतर समझ में आता है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।